लिए कुलंक सीख लगाओ, सीख लगाओ, सीख लगाओ। कर्मचारियों के लिए कुलंक सीख लगाओ, सीख लगाओ, सीख लगाओ। कर्मचारियों के लिए कुलंक सीख लगाओ, सीख लगाओ, सीख लगाओ। रेड टेस्ट में फेक गुंडागिरी, लाइट चलेगी, लाइट चलेगी। रेड प्रशासन मुर्दापाद, मुर्दापाद, मुर्दापाद। रेड प्रशासन मुर्दापाद, मुर्दापाद। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्थानीय प्रशासन के गुंडागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे जो न मिली मजदूर की मांग, देश में का होगा जाम। जो न मिली मजदूर, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनडब्ल्यूआर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो। कूलर सिंह लगाओ, सिंह लगाओ, सिंह लगाओ। कर्मचारियों के लिए कूलर सिंह लगाओ, सिंह लगाओ। आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की कारखाना इकाई द्वारा जो इस कारखाने में अव्यवस्थाएं चल रही हैं उनको लेकर के, उन अव्यवस्थाओं में सबसे बड़ी अव्यवस्था है जो डेजर्ट कूलर लगने चाहिए थे हमारे 15 अप्रैल को, वो आज की तारीख तक अभी तक आप देख रहे हैं इतनी भीषण गर्मी के अंदर डेजर्ट कूलर नहीं लगे। साथ में पानी पीने का जो कूलर लगते हैं उसकी भी डेट 15 अप्रैल इन्होंने फिक्स की हुई है, जबकि राजस्थान के अंदर गर्मी मार्च के महीने से पड़ना शुरू हो जाती है। मार्च के महीने में ही आपने देखा होगा 30 तारीख को 42 डिग्री 44 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया था, लेकिन पीने के लिए ठंडा पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे। उसके बाद में यहाँ जो ट्रेड टेस्ट हो रहे हैं, सबसे बड़ी तकलीफ जो हो रही है, जो लोगों को ट्रेड टेस्ट के अंदर लगातार फेल किया जा रहा है, चाहे वो आर्टिजन कर्मचारी हो, चाहे सुपरवाइज़र हो, और चाहे अनुकंपा पे भर्ती होने वाले लोग हों, उनको लगातार फेल किया जा रहा है और बड़ी साजिश के तहत रिक्तियों को भरा नहीं जा रहा है। इन सब बातों को लेकर के आज हमने यहाँ एक विरोध प्रदर्शन करने का काम किया है और इनको आज यहाँ नोटिस देने का भी काम करेंगे कि अगर आप समय रहते इन सब समस्याओं को ठीक से नहीं सुलझाते हैं, हमारे लोगों के 17 में जो वर्दी की जगह पर वर्दी के पैसे दिए गए थे, वर्दी सिलाली लोगों ने, जूते पहन लिए लोगों ने, फाड़ दिए, उसके बाद 17, 18, 18, 19 अभी तक वर्दी नहीं मिली है और ये रोज़ जाकर के वहाँ डंडा चलाने का काम करते कि हेलमेट पहनो, हेलमेट क्या पहनना है, जब तक सेफ्टी गारमेंट, सेफ्टी शूज़ नहीं है, हेलमेट, हेलमेट, हेलमेट की एक वो लगा रखी है खाली, और लोगों को बहुत बुरी तरह से तकलीफ़ में है कारखाने का हर कर्मचारी, हर जगह मतलब समस्या का अंबार खड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार 3 वर्षों से नेशनल लेवल पर हम अवार्ड ले रहे हैं, ये कारखाने बेस्ट वर्कशॉप का अवार्ड ले रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ का कर्मचारी संतुष्ट नहीं है किसी भी तरह से और अपनी मांगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हुआ है। इंसेंटिव का भुगतान लोगों को समय पर नहीं हो रहा है, 1 तारीख को तनख्वाह जरूर कर दी लोगों की, लेकिन नाइट अलाउंस नहीं मिल रहा है, ओवर टाइम नहीं मिल रहा है, ना उनको इंसेंटिव समय पर मिल रही है, 1 महीने की इंसेंटिव ख़त्म ही कर दी इन्होंने। हर बार ये कहते हैं अगले महीने मिलेगी, अगले महीने की, अगले महीने मिलेगी, लेकिन वो इंसेंटिव का भुगतान भी नहीं हो। इन सब बातों को लेकर के आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की कारखाना इकाई यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और गाइडलाइन यही है कि इनको डेडलाइन यही है, आज अगर इनको हमने ये देना है चेतावनी, अगर मंडे तक कूलर नहीं लगे तो फिर हम ये जितने भी ऑफिसर हैं इनके एसी वेसी कुछ नहीं चलने देंगे, सबके एसी बंद करने का काम करेंगे। आज अंतिम चेतावनी के रूप में हम ये बात कर रहे हैं। सीडब्ल्यूएम ने हमको वादा किया था, पिछले दिनों हमने प्रदर्शन किया था, तब कहा था कि 24 को 23 तारीख को चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही 24 को कूलर चालू हो जाएंगे, लेकिन अभी तक आप देख रहे हैं यहाँ कितनी गर्मी पड़ रही है और कोई कूलर नहीं लगने का काम हुआ है। आपका परिचय? भूपेंद्र भटनागर, जोनल अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन।